Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसी थियरी के दो इम्पॉर्टेंट सम जो काफ़ी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं. बट इससे पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो, लेसी थियरी के जो डिज़ाइन स्टेप है पूरे डिटेल से, कोई भी फॉर्मूला कैसे आता है पूरा मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो ज़रूर से देखिए, क्योंकि वो वीडियो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी किस तरह के MCQ उस डिज़ाइन स्टेप से पूछे जाते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया है. तो प्लीज वो वीडियो जरूर से देखें और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सो वो वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको स्टेप कौन से करने वो क्लियर है. बट यहां मुझे आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें वो बतानी है जो बुक में आपको नहीं दी गई होती है. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ फर्स्ट सम जो हम ले रहे हैं जिसमें हमें दिया गया कुछ ऐसा डेटा, यानी कि हमें डिस्चार्ज दिया है दैट इज अ 15 m³/s और जो सिल्ट फैक्टर है वो ऑलरेडी दिया गया है. जो मैंने डिज़ाइन स्टेप में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको सिल्ट फैक्टर ऑलरेडी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप वन हमारा निकल जाता है. बट अगर नहीं दिया है तो हमने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है फॉर सिल्ट फैक्टर दैट इज 1.76 अंडर रूट MR, वेर MR इज अ मीन पार्टिकल साइज जो MM में ही चाहिए. यानी अगर हमें वो साइज सेंटीमीटर में दी होती है तो हमने MM में उसको कन्वर्ट करना है. सो ये हो गया हमारा लेसिस सिल्ट फैक्टर ऑलरेडी दिया है तो फर्स्ट स्टेप चला गया है. और साइड स्लोप है वो हमें दिया है. अगर साइड स्लोप दिया है तो जो फॉर्मूला हम यूज करते आ रहे हैं वो हम करेंगे. बट अगर कोई अलग साइड स्लोप दिया होता तो हमने क्या करना होता, हमारे पास जो कॉमन इक्वेशन है एरिया इज इक्वल्स टू BD प्लस ND स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज इक्वल्स टू B प्लस 2D अंडर रूट N² प्लस 1 वो यूज करते. काफी बच्चों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मैडम क्या बोल रहे हैं, वो आगे सब में मैं आपको समझाती हूँ और उसके लिए भी आपको ये डिजाइन स्टेप वाला वीडियो छोटा सा है बट जरूर से देखना है. तो चलो पहला स्टेप तो क्या होता है, हमारा सिल्ट फैक्टर फाइंड करना होता है. तो यहाँ तो दिया ही है तो वो स्टेप यहाँ निकल गया. अब स्टेप टू इज टू फाइंड वेलोसिटी थ्रू दिस फॉर्मूला दैट इज इन अंडर ब्रैकेट Q² अपॉन 140 होल रेस्ट टू 1/6. तो हमें क्या है, डिस्चार्ज ऑलरेडी दिया है दैट इज 15. फिर जो सिल्ट फैक्टर है वो 1 दिया है सो हमने लिख दिया और डिवाइड बाई 140 होल रेस्ट टू 1/6. अब मेरी एक एडवाइस है कि अगर आपकी एग्ज़ाम है और आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसे सम जब आप सॉल्व करो तो प्लीज़ कैलसी साथ में लेके बैठो. और कैलसी में भी मैं बोलूँगी कि आप ब्रैकेट अच्छे से यूज़ करें और ध्यान रखें कि आप, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं एक ही स्टेप में पूरा कर दूँ, तो ध्यान रखें कितने ब्रैकेट करने कंपलसरी है यहाँ पे और आंसर आना चाहिए वो ज़्यादा सही है, ना कि आपको कोई भी आंसर ले आओ या गलत आंसर आ जाए. उससे अच्छा है कि थोड़ा कैलसी की भी प्रैक्टिस करें और साथ में करते जाए. सो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा दैट इज m/s. स्टेप थ्री हमने फाइंड करना एरिया थ्रू कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है क्यू इज इक्वल्स टू एरिया इन टू वेलोसिटी. सो एरिया को सब्जेक्ट बनाए तो हो जाएगा q/v. सो क्यू हमने दिया गया है दैट इज 15. वी हमने अभी ही फाइंड किया है दैट इज m/s. यूनिट को अच्छे से लिखे क्योंकि कोई भी पेपर चेक करता है तो यूनिट देखता है और उसका फॉर्मूला देखता है. सो यहाँ क्या करना है, ये हो गया और एरिया होगा हमारा m² में. सो यूनिट ध्यान रखें. फिर पेरीमीटर फाइंड करते हैं थ्रू दिस इक्वेशन दैट इज 4.75 √3. सो 4.75 लिख दिया और ये है √3. पेरीमीटर होगा वो मीटर में होगा, वो ध्यान रखें. सो ये हो गया हमारा पेरीमीटर. जब हमें एरिया मिल जाए, पेरीमीटर मिल जाए और जब हमारा स्लोप 1/2 gm 1 हो तभी हम ये इक्वेशन है जो सीधा यूज कर सकते हैं, ये जो दो इक्वेशन है. अगर ऐसा ना हो, अगर ये 1/2 gm 1 ना हो तो जैसे मैंने आगे बोला कि हमें ये इक्वेशन यूज करना होगा BD प्लस ND स्क्वायर एंड फॉर पेरीमीटर दैट इज B प्लस 2D इन द ब्रैकेट अंडर रूट N² + 1 और यहाँ हम N की वैल्यू रखेंगे. समझ में आ रहा है? तो ये कैसे आता है, ये जो फॉर्मूला यहाँ सीधा रखा है वो मैंने जो लास्ट वीडियो है डिज़ाइन स्टेप का उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ वो ज़रूर से देखें. सो चलो हमारे पास यहाँ 1/2 gm 1 है तो ये सीधा रख देते हैं. सो क्या हो गया, एरिया हमारे पास है दैट इज 21.765. ये रहा बी एंड डी और ये 1/2 यानी होता है 0.5 d² इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. फिर हमने फाइंड करना है पेरीमीटर. सो पेरीमीटर के लिए बी प्लस अंडर
प्लस रूट फाइव डी, समझ में आ रहा है। यहाँ सीधा हमने यूज़ किया इक्वेशन, सो पेरीमीटर हमने यहाँ फाइंड किया था 4.75 रूट क्यू करके, सो वो पेरीमीटर की वैल्यू लिख दीजिए बी एज इट इज़, रूट फाइव होता है 2.236 और ये रहा डी, से बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू। बट इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले इक्वेशन में भी हमारे पास बी और डी का कुछ नहीं है और दूसरे इक्वेशन में भी कुछ नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है बी एंड डी, डिज़ाइन फाइंड करना, यानी बी डी और स्लोप फाइंड करके देना। सो बी और डी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन में चाहे मैं बी को बनाऊँ या डी को बनाऊँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को बी को ही सब्जेक्ट बनाए, आप किसी को भी बना सकते हो। सो यहाँ मैंने बनाया है बी को सब्जेक्ट, यानी बी को सब्जेक्ट बनाओगी तो क्या हो जाएगा, ये रहा 18.4 और ये उठा के इस साइड यानी -2.236D, यानी बी इक्वल टू दिस मच। अब इससे क्या होगा, यानी जब ये वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगी, चलो लिख दीजिए यहाँ इक्वेशन नंबर वन में, सो 21.765, जहाँ बी है वहाँ क्या लिखना है 18.4 -2.236D, डी ऑलरेडी था और ये 0.5D², यानी इससे क्या होगा, जो इक्वेशन है वो एक ही फॉर्म में आ जाएगा, क्या होगा एक ही फॉर्म में आ जाएगा, यानी डी के फॉर्म में पूरा इक्वेशन। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर इजीली सॉल्व कर सके, कैसे तो देखते हैं। फिर हमने क्या करना है, इसको ब्रैकेट निकाले और अच्छे से सॉल्व करें, सो ये हो गया 18.4D और यहाँ डी था, सो मिला के हो गया D² और ये रहा, फिर इसका सॉल्व करें, ये माइनस ये प्लस, इसको सॉल्व करेंगे और पूरा इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये इक्वेशन कैसा दिखता है, दिस लुक्स लाइक ए एक्स स्क्वायर, ये रहा ए, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा बी, ये रहा एक्स और ये रहा सी, यानी ये दिखता है कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा है तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, और अगर काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता है तो प्लीज़ लिख लीजिए, ये कुछ इस तरह से सॉल्व होता है। अब कहीं क्या करेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस में रहेंगे और एग्जाम के टाइम में देख लेंगे ये ऐसे होता है, इसको सॉल्व कर दिया और ये डी और बी आ गया, अरे भाई तू करके तो देख, तुझे पता है ये x square plus bx plus c equals to zero वाला equation है और इसमें ये कुछ value रख के हमने find करना होता है और उसमें दो value मिलती है और कौन सी value लेनी है और कौन सी value नहीं लेनी है। सो प्लीज़ आप ऐसे कॉन्फिडेंस में ना रहे, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस कोई काम का नहीं है। सो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें। सो इसको ट्राई करोगे तो ये होगा ए, ये हो गया बी और जो होगा माइनस में और ये रहा सी, और आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपने ये इक्वेशन में रखना है, जहाँ डेल्टा है वो है B² - 4AC और जहाँ बी है वहाँ लिखना ये -18.4। तो ये ध्यान रखिए, अच्छे से सॉल्व करना है। यही इक्वेशन मैंने मैनिंग वाले, सॉरी जो भी कैनेडीज वाले सम किए हैं उसमें भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो मैंने हर एक सम में ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो ज़रूर से देखें और इसको आप अभी ही ट्राई करें। पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप में आप फाइंड करेंगे ये डेल्टा करेंगे, यानी डेल्टा इक्वल टू होगा B² - 4AC, यहाँ B हमारा माइनस है, यहाँ B क्या होगा देखो, ये रहा A, B होगा -18.4, ये -18.4 और वैसे भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा +-4, एरिया होगा 1.736 और C हमारा होगा ये 21.765 और इसको सॉल्व करना है, फिर यहाँ रखना है। बट ध्यान रखें यहाँ रूट है, यहाँ एक प्लस वाली वैल्यू मिलेगी और करके हमें डी की दूसरी वैल्यू भी मिलेगी, ध्यान रखना है। और फिर हम क्या करेंगे, जब हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी फिर हम बी फाइंड करेंगे कैसे, तो हमारे पास जो इक्वेशन टू है उसमें हम डी की वैल्यू लिख दें, यहाँ लिख दीजिए तो आपको बी मिल जाएगा। सो इस तरह से मुझे डी और बी मिल जाएगा। एक बार मुझे डी और बी मिल गया है तो मुझे क्या करना है, हाइड्रोलिक रेडियस आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। सो ये हो गया बी डी प्लस डी स्क्वायर बाय टू करके जो हमें मिलेगा वो, और नीचे बी प्लस डी रूट फाइव, यानी ये सारी वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, यानी ये एरिया और ये पेरीमीटर। सो उससे जो मुझे आर मिला दैट इज 1.185 मीटर। और फिर हमने क्या करना है, दूसरा हम वेरीफाई करते हैं दो वैल्यू आर की, दूसरा फॉर्मूला है 5/2 V² / F। सो ये रहा 5/2, वी हमने फाइंड किया है आगे थ्रू दिस इक्वेशन, क्यू एफ स्क्वायर बाय 140 होल रेस्ट टू 1/6। सो जो हमें मिला है वहाँ से दैट इज़ 0.689 होल स्क्वायर और एफ की वैल्यू 1 ऑलरेडी दी है, सो यहाँ से भी मुझे कुछ मिला। तो ये दोनों की जो वैल्यू आई, यानी ये है 1.185 ऊपर जो मिला और ये है 1.186, यानी सेम ही है दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट। सो हमें जो सम किया है वो सही है, बी और
डी की वैल्यू जो फाइंड की है वो भी सही है. और लास्ट स्टेप हमारा होता है बेड स्लोप फाइंड करना थ्रू दिस इक्वेशन, दैट इज एस इज इक्वल टू एफ रेस टू 5/3 अपॉन 3340 क्यू रेस टू 1/6. सो एफ की वैल्यू 1 दी गई है, सो 1 रेस टू एनीथिंग दैट इज अ 1. सो अपॉन 3340 इंटू क्या होगा, डिस्चार्ज हमें दिया दैट इज 15 होल रेस टू 1/6. कैलसी में इसको अच्छे से सॉल्व करें, यानी हमने बेड स्लोप भी फाइंड किया, यानी डिजाइन के स्टेप में हम क्या फाइंड करके देते हैं, हम बी देते हैं, डी देते हैं और एस फाइंड करके देते हैं. सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है. नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सम देखेंगे जो लेसिस का अलग, कुछ थोड़ा इससे अलग है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखें.